अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे ऐड करते हैं, यानी अगर तुमको किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करते हो? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बता चुके हैं कूलम्स लॉ कि कैसे किसी भी वेक्टर को ऐड करते हैं, एकदम सेम वैसे ही काम चलेगा। अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, उससे दूर जाएगा। ये होता है। और अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो क्या होता है, उसके पास आता है। इस कॉन्सेप्ट को खाली ध्यान रखना है कि पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, दूर जाता है, नेगेटिव में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आता है। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ ये अगर कोई चार्ज है कैसा चार्ज होना चाहिए, पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज किसको बोलते थे याद है, पॉइंट चार्ज बोलते थे वैसे चार्ज को जिसका वॉल्यूम जो है नहीं के बराबर होगा, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड का दो फॉर्मूला था, एक था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, इस तरह से निकाले थे हम लोग, और एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0Q/r². जैसे फोर्स का होता था 1/4Q1Q2r², इलेक्ट्रिक फील्ड का होता था ये चीज। अगर किसी का छूटा हुआ है तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का फर्स्ट क्लास देखोगे तब जाकर क्लियर होगा, है ना, अगर छूट गया है किसी। तो अगर तुमसे पूछे कि बताओ ये पॉइंट चार्ज है और इससे आर डिस्टेंस पे क्या होगा, यानी इस चार्ज का यहां पर क्या होगा असर, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब सिंपली उसका असर क्या होगा। जैसे हम यहां पर खड़े हैं तो मेरा क्या होगा असर, मैग्नेट यहां पर है तो यहां पर अगर एक रुपए का रखेंगे सिक्का तो क्या होगा, इस एक रुपए के सिक्के पे इसका असर, यहां पर रखेंगे तो उसका असर ज्यादा हो जाएगा, यहां पर रखेंगे और ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब जितना नजदीक लाएंगे असर बढ़ेगा, जितना दूर जाएगा असर कम होगा। जैसे अर्थ सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, है ना, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम यहां होगा। जैसे तो दूर जाओगे ऊपर जाते जाएंगे असर क्या होगा, अर्थ का यानी उसका फील्ड क्या हो जाएगा, कम होता है। ऐसे ही किसी भी चार्ज का जो असर होता है, इस चार्ज का असर देखना यहां पर, तो क्या होगा इस चार्ज का यहां पर असर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है किसका, ए का, कहां पर, पी का, पी पर, तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ए का 1/4πε0Q/r², और चूंकि चार्ज पॉजिटिव है इसलिए यहां पर एरो दिखाना जरूरी है तुमको, इधर किधर जाएगा उससे दूर जाते हुए। अगर इसी चार्ज का अगर यही चार्ज नेगेटिव होता तो तुमको पता है हम लोग यूज क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी क्या लिखेंगे, हम क्यू ही लिखेंगे, लेकिन हाँ एक फर्क तो पड़ेगा डायरेक्शन, जो पिछली बार इससे दूर जा रहा था अब वही इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पास आया। देखो इस चार्ज का असर यहां पर देख रहे हो इसलिए एरो यहां पर बना है जहां पर देख रहे हैं सर, दूर जाएगा कि पास आएगा वो डिपेंड करेगा कि इसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव होगा तो दूर जाएगा, नेगेटिव होगा तो पास आएगा। फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, और ध्यान रखना कि मैग्नीट्यूड लिखना है, चाहे 2 कूलम रहे या -2 कूलम रहे, लिखना तुमको 2 कूलम ही है ना। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पॉइंट की होता है, इसलिए वेक्टर पॉइंट की होगा तो ये तो पक्का है कि वेक्टर के नियम के तहत हम लोग उसको ऐड या सबट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो जैसे एग्जांपल हम दे रहे हैं, एक चार्ज यहां पर है कितना है 4 कूलम, दूसरा चार्ज यहां पर है कितना है 8 कूलम, दोनों कैसा चार्ज है, पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के ही एप्लीकेबल है। अब दोनों के बीच का गैप दे दिया कितना है 4 मीटर, कर बताओ तो इस पी पॉइंट यानी बिल्कुल बीचों बीच क्या होगा इसका सर, यानी यहां से भी 2 मीटर पे और यहां पर से भी 2 मीटर। तो हमको इस चार्ज का भी असर यहां पर देखना है और इस चार्ज का भी असर देखना है, और टोटल मिला के बताना है कि यहां पे टोटल असर कितना होगा, टोटल फील्ड कितना होगा।
तो चार्ज कितना है 4 कूलम। हम जानते हैं फॉर्मूला, एक एक करके करना, हर बार हर बार करके नहीं करना, वन बाय वन। पहले इस चार्ज का देखते हैं क्या होगा इफेक्ट यहां पर। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। किधर जाएगा? दूर जाएगा। देखो एरो वहां बनाना है जहां पर तुमको निकालने बोला गया। हमको कहां पर निकालने बोला गया है? पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोला गया। तुम यहां पर आएगा, इस चार्ज का किधर होगा? उससे दूर जाएगा। क्यों होगा दूर? क्योंकि चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए? 1/4 pi। हम एक काम करते हैं 1/4 pi सर को के से लिखते हैं, वैल्यू बताइए 9 × 10 के पावर 9। 1/4 pi के क्यू, क्यू यानी कितना है? 2 कूलम, सॉरी 4 कूलम। क्यू कितना है? 4 कूलम। बाय आर, आर मतलब इस चार्ज से यहां तक का दूरी जहां पर उसका असर देखना चाहते हो, के क्यू बाय आर स्क्वायर कट गया, कितना हो गया के, इसका हो गया। अब किसका असर देखना है? इसका। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। इसका भी असर लेकिन यहीं पे देखना है, किधर जाएगा? उससे दूर जाएगा कि उसके पास आएगा? तो चूंकि चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है, इसलिए हमें दूर जाएगा। देखो अगर चार्ज पॉजिटिव रहेगा तो इधर होगा ऐसे, यहां इधर ऐसे, हर समय दूर जाते हुए तो इस चार्ज का यहां पर असर निकाल, किधर जाएगा? दूर जाएगा। कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी? इसका यहां पर असर कितना होगा? के क्यू, क्यू यानी 8/r, r यानी 2 का स्क्वायर कट गया, कितना आ गया 2 के। तुम अगर देखो कि पी पॉइंट को अगर ध्यान से बनाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए किधर आया? इधर आया, कितना? के। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी कितना है? 2 के। इधर ये तो पक्का है कि सबट्रैक्ट हुआ, क्योंकि एक उधर है एक इधर है, और वेक्टर किधर जोड़ना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ईबी माइनस ईए। क्यों ईबी माइनस ईए? क्योंकि ईबी बड़ा है। कितना हो गया? 2 के माइनस के यानी सिर्फ के, यानी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन पर कूलम है ना। न्यूटन पर कूलम क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? F/q भी होता है, मतलब F का होता है न्यूटन, चार्ज का होता है कूलम। तो कितना आ गया यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया नेट? किधर? इधर बचेगा, किधर बचेगा? तुम बोलोगे इधर बचेगा। और कितना होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन पर। क्लियर है इसमें? अब अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तब क्या होगा? अब हम लोग करते हैं, एक 2 कूलम ले लेते हैं या 4 कूलम, और एक माइनस 8 कूलम ले लेते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज में पता है दूर जाता है, और नेगेटिव में क्या होता है? उसके पास आता है ना। ये ध्यान रखना है बस, एकदम आसानी से कर लेंगे। फिर से कर रहे हैं, एक चार्ज है 4 कूलम, दूसरा चार्ज है माइनस 8 कूलम। कहां पे निकालना है? इस जगह निकालना है, ऊपर। कितना होगा यहां से यहां तक का दूरी? 2 मीटर। ये दूरी कितना होगा? 2 मीटर। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। किधर जाएगा इस चार्ज का असर क्या होगा? इसे दूर जाएगा कि पास आएगा? चार्ज पॉजिटिव है, इसे स्वाभाविक है दूर जाएगा। निकालना कहां पे? पी पॉइंट पे। फिर से कितना लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड टू ए? के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर कितना बनती है? इसका हो गया। अब कौन बचा? ये माइनस 8 कूलम, इसका भी यहां पर असर देखेंगे। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तुम देखोगे नेगेटिव है। तो नेगेटिव में क्या होता है? उसके पास आता है। देखो इसका असर यहां पर देखना है, इसलिए एरो यहां पर बनाना है। पिछली बार चूंकि पॉजिटिव था इसलिए दूर गया था, इस बार नेगेटिव इसके पास आया, तो एरो यहां बना है। कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी? उसके तरफ आते हुए के क्यू माइनस 8, गलती से नहीं लिखना क्योंकि मैग्नीट्यूड होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर कितना होगा? 2 के। तो तुम देखोगे पी पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज था दूर गया इससे, कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड टू ए? के। नेगेटिव इसका यहां पर असर देखना, उसके पास ही आएगा, नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली इनवर्ड होता है। तो कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी? इधर ही आ गया, कितना हो गया? 2 के। इस बार तो आसानी से ऐड हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? ई ए प्लस ई बी यानी के प्लस 2 के यानी 3 के, और के का वैल्यू पुट कर दो अंतिम में, इतना न्यूटन पर कूलम, ये इसका आंसर है।
अब एक चार्ज है 1 कूलम, दूसरा चार्ज है 4 कूलम, निकालना है वो बाहर में। यहां से आता का दूरी कितना है 2 मीटर, और यहां से आता का दूरी मान लो 4 मीटर, काम करके उसको बढ़ा देते 32 कूलम। कैलकुलेशन आसान है, इसको कर देते 1 कूलम। जिसे निकालना कहा बाहर में, एक चार्ज यहां पे, एक चार्ज यहां पे, निकाला कहां पे पी पे, वन बाय वन करते हैं, एक एक करते हैं। पहले इससे कर कैसा चार्ज है पॉजिटिव, जब इसके बारे में सोचो तो इसको देखो तक मत, इसको मत देखो। कैसा चार्ज है पॉजिटिव, इसका कहां असर देखना है पी पॉइंट पे। चूंकि चार्ज पॉजिटिव है इसलिए क्या होगा, फील्ड उससे दूर जाएगा। कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ए के क्यू, क्यू मतलब 32, आर मतलब 4 का स्क्वायर, क्योंकि यहां से अगर दूरी 4 मीटर, तो कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ए, 16 से कट जाए तो ई हो गया 2 टी, इसका हो गया। अब कौन बचा, ये बचा, कैसा चार्ज है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, किधर जाएगा, इसका असर यहां पे देखना है तो इससे दूर जाएगा। कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू बी के क्यू, क्यू यानी 8, और आर मतलब 2 मीटर, यहां से अगर दूरी कितना है 2 ही मीटर, कितना हो गया 2 के, ये भी हो गया 2 के, तो टोटल पी पे कितना हो गया, ई ए भी इधर हो गया और ई बी भी इधर ही हो गया, तो नेट इलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, ई ए प्लस ई बी यानी 2K प्लस 2K, यानी कितना हो गया 4K। अब बाद में K का वैल्यू पुट कर दो निकल जाएगा कितना हो गया। यही अगर मान लो -8 किलोमीटर, तो किसी एक को माइनस कर देते हैं, अब क्वेश्चन चेंज कर रहा है, अगर माइनस होगा तो क्या होगा देखते हैं। चलो एक एक करके, पहले इसका कितना किधर होगा, उधर होगा, इसे दूर जाएगा, कितना होगा 32 कूलम, इसको मत देखो लो के क्यू बाय आर स्क्वायर, इतना होगा। ये कैसा चार्ज है नेगेटिव, कहां देखना है सर, यहां पे, दूर नहीं जाएगा इस पर, पास आएगा। कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू बी के क्यू, क्यू यानी -8, गलती से लिखना 8 बाय आर स्क्वायर। किस बार क्या देखते हैं, ई ए हो गया 2K इधर और ई बी हो गया इधर 2K, ये तो पक्का है कि माइनस हो गया, तो नेट क्या हो जाएगा सर, 0, इस बार कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0। इसका मतलब हमको सॉल्व वैसे ही करना है जैसे हम पहले वेक्टर में सॉल्व, प्लस रहेगा तो खाली ध्यान रखना है दूर जाएगा, माइनस रहेगा तो क्या होगा उसके पास आएगा, बस इतना ही करना है, समझ में आई बात का। अब आता है अलग अलग ओरिएंटेशन में होगा तो क्या होगा, है ना, फिर से सेम प्रिंसिपल चलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यू जो हो गया, एक हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वाला जो प्रीवियस कर रहे थे, तो वहां पे क्या करते थे कि अगर किसी भी पॉजिटिव चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में रखेंगे तो उसे दूर जाएगा, है ना, ये हो गया। और कितना होगा फोर्स उस पे, क्यू इनटू ई, एक्सेलरेशन कितना होगा, क्यू ई बाय एम। और अगर किसी नेगेटिव चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में रखेंगे तो क्या होगा, उसके उल्टा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्टा फोर्स नहीं लगेगा। और आज क्या सीखे हम लोग कि कोई भी 2 चार्ज 3 चार्ज 4 चार्ज जितना भी चार्ज क्यों ना दिया जाएगा, कहीं पे भी अगर निकालना हो 1 बाय 1 करके करना, पहले इसके कारण फिर इसके, और भी रहता तो और भी कारण, और फिर हम लोग क्या करेंगे वहां पे वेक्टर सॉल्व, है ना, इस तरह सॉल्व करते हैं, ठीक है।